यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाऊँगा। आई हैव टू वेयर माय मास्क हियर, या दिस इज अ मिनिमम, दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दिस डेज, बिकॉज यू नो जब आप वोडा वोडा वाले के साथ जा रहे हो, उसके साथ तक करीब बैठ रहे हो, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। यस, ये कृष्णा मार्ट है, इंडियन कोई बिजनेसमैन बनाए होंगे। आयशा सैलून दिख रहा है बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट मुझे और एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बट यहाँ के लोग अभी भी इंडिया पाकिस्तान एक समझते हैं, और जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रॉबिन आ गया हूँ। संडे का दिन है, निकल गए हैं। आज थोड़ा बाल बाल कटाने भी है और थोड़ा सिटी भी घूमना है। देखता हूँ कहाँ तक घूम पाता हूँ। अच्छा एरिया है, शांत एरिया है और मौसम काफ़ी नज़ारा है। तो आज का प्रोग्राम ये रहेगा, यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाऊँगा। वहाँ पे जैसे कि मैंने नैरोबी में कई साल रहा था, आपको पता है, और वहाँ पे देखा था कहीं पे इंडियन कम्युनिटीज रहते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, सैलून्स हैं। आज थोड़ा मुझे बाल भी कटवाने हैं, तो उस सिलसिले में निकला हूँ। मुझे मिल गया है मेरा दोस्त, ये है मेरा दोस्त। यू कैन वेव योर हैंड एंड व्हाट्स योर नेम? कॉलिंस। सो कॉलिंस इज विथ मी एंड ही इज गोइंग टू टेक टू मी टू एकेशिया मॉल, एंड आई जस्ट बुक दिस वोडा वोडा थ्रू उबर, एंड दिस इज अ न्यू सर्विस दैट उबर हैज स्टार्टेड। So Colin, can you please take me there? Yeah. In? Sure. All right, guys. So let's start. Oh yeah. Sorry, I have to wear my mask here. Yeah. This is a minimum. This is a minimum requirement for these days, because you know, जब आप वोडा वोडा वाले के साथ जा रहे हो, उसके साथ तक करीब बैठ रहे हो, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। Yes, I'm ready. Okay, Collins, let's start. So guys, हम तैयार हैं और अभी एकेशिया मॉल की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों अभी मैं उतर गया, ये उबर वाले टू व्हीलर से 3,000 शिलिंग लिया। 3,000 शिलिंग आपको बताएं करीब करीब 60 रुपये है, और 60 रुपये मतलब मैंने करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर ट्रैवल किया। 15-20 मिनट लगा, हेलमेट नहीं पहना, आई एम सॉरी, मतलब बिना हेलमेट के चलना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे पता नहीं जो सवारी है उनके लिए हेलमेट मैंडेटरी नहीं है या ये लोग नहीं रखते, पता नहीं, बट वट एवर इट इज़, मुझे हेलमेट मिला नहीं था, तो हेलमेट मैंने ट्रैवल नहीं कर पाया, नहीं पहन पाया, बट ठीक है। थोड़ा सा इनको पहले से कह दिया था भैया धीरे चलाना, तो इसने धीरे चलाया और हम धीरे धीरे 15-20 मिनट में पहुँच गए हैं। तो अभी ये जो एरिया है, ये एकेशिया मॉल कहते हैं। ये एकेशिया मॉल जो है बहुत ही फेमस एक लैंडमार्क है कंपाला में। किसी ने मुझे गाइड किया था एकेशिया मॉल के अपोजिट में और एक छोटा सा मॉल है। मैं हफ्ता भर पहले एकेशिया मॉल में आया था, यहाँ से एक पिलो ख़रीदा था। आपको बताऊँ दोस्तों, एक पिलो की कीमत इन लोगों ने, मैंने ICICI बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ किया था और एक पिलो की कीमत इन लोगों ने लिया था
करीब करीब 3,115 या 3,120 रुपए के आसपास। सो यूँ मान लें एक किलो 3,000 रुपये लग गया मेरा, थोड़ा महंगा लगा, बट बाद में देखा वाकई वो जो किलो है दैट्स रियली वर्थ वैल्यू, इट्स रियली रियली डिफरेंट। तो ठीक है, जो है है। जिस होटल में रह रहा हूँ काफ़ी बजटेड होटल है, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, आपको बताऊंगा होटल के बारे में। तो इस एकेशिया मॉल आप देखिए, ये है एकेशिया मॉल, थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है। इस एकेशिया मॉल में मैं हफ्ते भर पहले आया था, थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा। इंडियन शॉप्स मिल जाएंगे आपको, तो इंडियन शॉप्स के लिए अभी ढूंढ रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं, दो तीन चीज़ें खरीदने हैं। ट्राइपॉड का जो चार्जिंग केबल है घुमा चुका हूँ, जो वायरलेस हेडफोन है वो भी घुमा चुका हूँ पिछले एक हफ्ते में, अब वो मुझे खरीदना ही है, बिना उसके तो मैं जा ही नहीं सकता कहीं पे। तो वो मुझे खरीदना है और साथ साथ बाल भी कटवाने हैं, देखते हैं कैसा है। ये मैं पहुँच गया हूँ, ये है द क्यूब सुपरमार्केट, 10 to 10 सुपरमार्केट, कृष्णा मार्ट। ये देखिए कृष्णा मार्ट है, इंडियन कोई बिजनेसमैन बनाए होंगे। यहाँ पे बहुत सारे गुजराती भाई पंजाबी भाई आपको मिल जाएंगे, और भी देश के कोने कोने से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये लोग फ्रूट्स बेच रहे हैं, देखिए फ्रूट्स बेचने का तरीका कितना आसान है, कितना डिफरेंट तरीका है। अब मुझे ढूंढना है कहाँ पे सैलून मिल जाएगा। हे ब्रदर, डू यू नो वेयर द सैलून इज अवेलेबल इनसाइड? Outside over there? He first asked, he says, Kari. Okay. Good saloon. Thank you so much. Yeah. Yes, I'll do that. Thank you. इन्होंने एडवाइस किया इस लेडी से बात करें। Hello, good morning. How are you? Fine. Can you please guide me where there's a saloon? Saloon, which saloon? Hair cutting saloon. Oh, Indian. Indian, yes. Inside? Yeah. Oh, yeah. Okay, thank you so much. Yeah. देखिए ये आयशा सैलून, आपको दिखा दूँ, ये आयशा सैलून दिख रहा है बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखते हैं आयशा सैलून में घुसते हैं, कैसा है कैसा नहीं है आयशा सैलून। लगता तो है हमारे कोई इंडियन भाई का यहाँ आए हैं अभी। देखिए then I am clinically dead. No. If it is 33, then I am clinically dead. Hello. Hi. Yes, how are you? I'm very good, thanks. I'm a travel vlogger. So I want to cut my hair. Yes, come. All right. So अभी पहुँच गए हैं एक, is it Indian salon? Yes. Oh yeah. So Indian unisex salon. Oh wow, that's fantastic. So अभी एक Indian salon में मैं पहुंच गया हूँ। किसके बात कर रहा हूँ? मैं खुद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा आप एक वीडियो मूवी बना रहे हैं? Yeah, मैं मूवी बना रहा हूँ। Okay. मैं travel blogger हूँ, but इत्तेफाक से मैं कंपाला में रहूँगा। अच्छा। मैं पिछले 7 साल से ईस्ट अफ्रीका में कई बार रह चुका हूँ। मैं तंजानिया में 3.5 साल रह चुका हूँ, ढाई साल करीब नैरोबी में रह चुका हूँ, बट करीब करीब अफ्रीका में 10-12 कंट्री में घूम चुका हूँ। Okay. और अब कंपाला में रहने की मतलब शुरुआत हुई है। That's good. तो 3 हफ्ते हुए हैं, मैं 18 तारीख को यहाँ आया था। mm-hmm. तो 3 हफ्ते हुए हैं करीब करीब यहाँ आया हूँ, तो आज पहली बार निकला हूँ थोड़ा सा फ्रेश अप करने के लिए, क्योंकि कल से फिर से मुझे Mamuna Kaswani and she greeted me, she invited me
So I'm going to have my haircut here. I'll get back here shortly. Thank you. हमारी तैयारी हो रही है, देखते हैं। जिस हिसाब से इन लोगों ने बताया, मैं आपको बाद में बताऊंगा कितना चार्ज है इंडियन सलम के कंपैरिजन में, ज़्यादा है कम है, दूसरे कंट्रीज के हिसाब से क्या है, मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी फिलहाल ये है। सो मैडम इज गेटिंग रेडी हियर, यू कैन सी शी इज गेटिंग रेडी। Oh yeah, so we got one more friend here. So you're in Kampala for many years? 21 years. You see, 21 years. So I'm going to meet one of my old Indian fellow. Indian, I'm Ugandan. Now you've become Ugandan. I'm from Pakistan. Oh, so I got a Pakistani boy here. Assalamu alaikum. So, aapka kya naam hai? मोहम्मद नईम। सो नईम साहब, मेरा नाम रॉबिन है, इंडिया से हूँ। नो, आई एम नॉट लाइव, आई एम जस्ट टेकिंग वीडियोस एंड आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। सो कंपाला में आए हुए हैं, करीब एक महीने से कम हुआ है, तो बस थोड़ा सा घूम रहे हैं, देखते हैं। डेफिनेटली आई कैन शेयर। माय चैनल्स नेम इज ग्लोबल आरडी। Global RD. Yes, I'll definitely give you. So, नेम साहब से मेरी परिचय हुई है, अच्छा लगा मुझे। Thank you so much. And नेम साहब, what do you do here? I struggle a lot. You travel a lot, wow. And I struggle a lot. Okay. I'm doing everything. Oh, okay. There is nothing I have not done. Okay. Oh, wow. I learned Uganda everything. Oh, wow. That's even awesome. In the island, in the water, scraps, everything. Oh, wow. Fantastic. So, नहीं सब काफी colorful होंगे, मुझे उम्मीद है, अच्छा लगा मुझे। और नईम साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं आपको मेरा यूट्यूब चैनल बता देता हूँ। माय नंबर यू कैन नोट इट। श्योर, आई एम गोइंग टू डू इट। ओके गाइस, कम बैक टू यू सून। तो दोस्तों, मेरा बाल कटाना हो गया। मालूम, ये जो बाल कटाना है, ये मेरे लिए पता नहीं, पिछले 20-30 साल से मैं कभी पसंद ही नहीं किया। मतलब जब भी मैं सैलून में आता था, मुझे एक प्रिपरेशन लेना पड़ता था। मैं आऊँ ना आऊँ, यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है, साला पीछे 2-3 जने के पीछे लाइन लगाना पड़ता है। बट मैं बहुत खुश हो जाता हूँ जब मैं कोई सैलून में आता हूँ और वहाँ पे मैं किसी को नहीं देखता हूँ, कोई कस्टमर को नहीं देखता हूँ, तो मुझे लगता है अब ये मेरी बारी है, चलो यार शुरू करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ। बट मुझे और एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ के लोग अभी भी इंडिया पाकिस्तान एक समझते हैं, और जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि आज से 73, 74, 75 साल पहले तो हम लोग एक ही थे, जो भी कोई मुद्दा होगा वो अलग बात है, अलग हो गए हैं। बट आज भी लोग भाग इंडिया और पाकिस्तान एक समझते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। आपको और एक चीज़ बताऊँ, मैं जब तंजानिया में डर एस सलाम में रहा करता था, वहाँ पे आगा खान हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक ENT सर्जन, अब पता नहीं अभी वो है या नहीं, बट उस समय वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे, और वो पाकिस्तान से हैं, यंग चाप था, और उनसे हमारी ऐसी दोस्ती हो गई थी कि आपको हम क्या बताएं। और मतलब आप इन सब जगह पे जब घूमेंगे ना, आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सब चीज़ें कभी आती ही नहीं, कोई दरमियानी मतलब पैदा नहीं करता यहाँ पे कोई बैटरी नहीं करता। आप कौन से देश से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और ये दिस रियली क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशंस। तो चलिए अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं और ट्राई करते हैं। मुझे कुछ गैजेट्स लेने हैं, पीछे जैसे कि मैंने बताया, एक हफ्ते में मैंने ये ट्राइपॉड का चार्जर खो चुका हूँ। मेरे पास कोई
हेडफोन नहीं है, कॉर्डलेस हेडफोन, वो भी मैं घुमा चुका हूँ। कोशिश करता हूँ अगर कुछ यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे एक आई स्टोर बता रहे, पता नहीं ये आई स्टोर एप्पल का होगा, एप्पल का होगा तो महंगा होगा। तो सैलून वाले ने मेरे से 30,000 शिलिंग लिए, जो करीब करीब 600 रुपये के आसपास पड़ता है। तो 600 रुपया बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, इंडिया में भी हबीब साहब 500-600 रुपये तो चार्ज कर ही देते हैं, और यहाँ पे 600 रुपये लगा। बट मैडम का हाथ बहुत साफ था, ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, अच्छा लगा। बट मुझे लगा मतलब तंजानिया और केनिया के मुकाबले थोड़ा सा महंगा है, बट शायद मुझे इससे सस्ता भी मिल जाएगा। मुझे थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कहाँ पे मिलेगा, बट फिर भी ठीक है, मतलब अच्छा है, सर्विस अच्छा है, फास्ट है और एक्सपर्ट सर्विस है। पान हाउस है, सोचो ये आपको दिखाई दे रहा है, पान हाउस, ये है पान हाउस। सो और एक दुकानदार ने मुझे गाइड कर दिया, देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दुकान तो यहाँ पे बंद ही दिखाई दे रहा है, लॉजिस्टिक्स मोबाइल करके हैं, कोशिश करते हैं। हाय, कैन आई कम इन? डू यू हैव अ वायरलेस हेडफोन? यस। सो फाइनली आई गॉट इट हियर। नो, आई एम जस्ट टेकिंग वीडियोस, आई एम अ ट्रायल व्लॉगर। So, you want with the wire, without wire? Without wire. With the wire? Yeah, just like that, yeah. This is a wire one. Yeah. Wire JBL, Huawei. Okay. And this is also JBL. Uh-huh. There is a Sony as well. Yeah. I had the JBL actually. I had the JBL and I lost last week. No, that's a heavier one. Give me that JBL. I think I had this one. That comes this? This one? So, शायद मिल गया, देखते हैं कैसा है। तो ये हमारे भाई साहब है, अरे नहीं है, और पाकिस्तानी है। सलाम अलैकुम। देखिए कितने सारे यहाँ पे पाकिस्तान से, यही चीज आपको मैं बता रहा था, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ, मेरे 3 पाकिस्तानी दोस्त है। तो ऐसे ही है। चलिए अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू।